एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे हेल्प हुआ है और मेरी फैमिली को हेल्प हुआ है. थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड के बर्थडे के बाद मुझे एक साइटिका का अटैक हुआ था. साइटिका किसी को पता है क्या होता है? नर्व का प्रॉब्लम है. तो हिप बोन से लेकर यहाँ तक मेरा पूरा पैर अकड़ा गया था और मैं एक्चुअली बेड पे से उठ नहीं पा रही थी. उस दिन सिर्फ बेड पे से उठने के लिए मुझे कॉम्बीफ्लैम, मेरे हस्बैंड ने बोला कि खा ले तो थोड़ा, एक टू 10 मिनट के बाद बेड पे से उठ सकती है. वो कॉम्बीफ्लैम खाया मैंने, 10-15 मिनट के बाद आई कुड स्टैंड अप, वॉक अराउंड, सिट अ लिटिल बिट. बिकॉज साइटिका एक ऐसी चीज है, आप ना स्लिप दिस में क्या होता है, आप सो सकते हो, राइट? सो लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइटिका में ना आप सो सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना चल सकते हो. इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ. तो वो कॉम्बीफ्लैम ले लिया, मैं थोड़ी ठीक हो गई. वैसे भी मेरे हस्बैंड ने बोला शाम को ही अपने को डॉक्टर के पास जाना है. और हमारे एक सीनियर लीडर है मिस्टर अनिल परेरा सर, उन्होंने अपनी वाइफ के बैक प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस शेयर किया था. तो मेरे हस्बैंड ने बोला अपने पास 95 तो है अपना, ट्राई तो कर. सी वेरी ऑनेस्टली हम सब ऐसे ही रहते हैं ना, ट्राई तो करें, देखें तो सही क्या होता है. ये हम इंसान ऐसे ही होते हैं. तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट शाम का रहेगा तो एक 95 ले लेते हैं. वो 95 मैंने एक बड़े 300 ml गर्म पानी में मिक्स किया, मैं पी ली. थोड़े टाइम के बाद थोड़ा रिलीफ हुआ, मैं एटलीस्ट चल फिर करके घर का थोड़ा काम कर पाई. उसके बाद शाम का टाइम आया डॉक्टर के पास जाने का. तो तभी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैं बोली देखो इसे थोड़ा तो रिलीफ लग रहा है, एक काम करते हैं रिस्क ले लेते हैं, अपन सुबह का डॉक्टर का देखते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो सुबह में डॉक्टर के पास चक्कर मारते, राइट? तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है. सुबह उठी, वापस दर्द बहुत था, जैसे फर्स्ट डे था. अब मेरे हस्बैंड ने बोला कॉम्बीफ्लैम मत ले, तू बेड पे ही पड़े रहे. उन्होंने मुझे ऑन एंड ऑन वो 95 बना के दिया, बोला पी लो. तो मैं तभी बेड पे बैठे बैठे ही पी ली थी. अगेन इन 10-15 मिनट्स आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड डूइंग माय वर्क. आज के 15 दिन हो गए हैं, एक एलोपैथी मेडिसिन लिए बिना. मैं एलोपैथी अगर ली होती ना डॉक्टर के पास तो शायद मैं 3-4 दिन में थोड़ी फिट एंड फाइन होती भागती थी. यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 10 दिन लगा, लेकिन आज आपके सामने मैं इधर खड़ी हूँ विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन, सिर्फ ये 95 की वजह से. मेरे हस्बैंड को काफी लोग यहाँ पर जाते हैं, स्टॉल एंड हेफ्टी, उनका 5 किलो कम हो गया है 1.5 महीने के अंदर. मेरे डैड डायबिटिक पेशेंट है, बाईपास हो चुका है, दिन की 16 टैबलेट्स लेते हैं, इंसुलिन दिन में 2 बार लेते हैं, 6 साल से. वाओ क्या बोल रहे हैं. 6 साल से मेरे डैडी रुके हैं कि उनका जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में